कर बोले कर दे दीनों का दुख दूर हो पैगंबर वाले कर दे तू मेरा रे बेड़ा पार हो पैगंबर वाले बेड़ा पार ओ बागंबर वाले
जानो रे बाबा तू जाने जानो सेवा में जानो रे बाबा तू जाने जानो जानो तुम्हारो एक नाम ओ पैगंबर वाले जानो तुम्हारो एक नाम ओ पैगंबर वाले कर दे दिनों का दुख दूर ओ पैगंबर वाले कर दे भक्तों का बेड़ा पार ओ पैगंबर वाले हमारी रे बाबा मर्जी तुम्हारी अर्जी हमारी रे भोला मर्जी तुम्हारी अर्जी को करो ना मंजूर ओ पैगंबर वाले अर्जी करो ना मंजूर ओ पैगंबर वाले अर्जी दिनों का दुख दूर ओ पैगंबर वाले अर्जी भक्तों का दुख बोले शंकर भगवान की। आज दो तीन साल बाद में अपन वापस अपने मंडल का ये पूजन कर रहे हैं, भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं। शिव के परिवार पे आप सभी एक दृष्टि डालिए। शिव घर के मुखिया को शिव के समान बनना पड़ता है। शिव के समान जो अनेकता को एकता के सूत्र में पिरो के रखता है वो शिव सायुज्य हो जाता है। शिव का वाहन क्या है? नंदी। माँ पार्वती का वाहन क्या है? शेर। दोनों में बनती नहीं है। भगवान गणेश का वाहन क्या है? भगवान के गले में क्या है? सर्प। दोनों में नहीं बनती है। तो भगवान कहते हैं कि जहां मैं बैठ गया, घर का मुखिया जहां पे बैठ जाता है, घर में कितनी विपरीतताएं हो सबको उस मुखिया के पास में आके बैठना पड़ता है, जैसे शिव के पास में सभी बैठे हुए हैं। फिर शिव एक शिक्षा देता है। हमारे भाई जी दीनदयाल जी कहते हैं शिव से बहुत शिक्षा मिलती है उस परिवार से। शिव के गले में क्या है? उसमें क्या है? विष। शिव के सिर पे क्या है? चंद्रमा। उसमें क्या है? अमृत। परिवार के जहर को कंठों में रखो लेकिन इसको ठंडा रखो। परिवार में बहुत जहर होता है लेकिन उसको गले तक रखो, द्वेष की भावनाएं नहीं आएगी। और इसको ठंडा रखो, उसका परिवार सुंदर बन जाएगा। शिव के परिवार से बहुत शिक्षाएं मिलती है, है ना? जो विषमता को समता में बदल देते हैं भगवान शिव। शिव का मित्र कौन है? कुबेर जी। कुबेर। शिव का मित्र कहा गया, दोस्त नहीं कहा गया है। दोस्त का मतलब दो अस्त्र, तो मित्र बनाइए। शिव का मित्र कौन? कुबेर। और सखा धनेश है ससुरो नगेश है, उसका ससुर कौन? हिमाचल राजा। एक पिता अपनी पुत्री के घर पे आएगा तो कुछ न कुछ भेंट लेकर के आएगा। एक मित्र मित्र के घर पे आएगा तो कुछ न कुछ भेंट लेके आएगा। भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे घर में शिव परिवार है, साल में एक बार कुबेर मेरे घर पे शिव से मिलने आ जाए तो अपनी बैलेंस शीट सुधर जाएगी। ये भाव रखो। शिव पंचायत पूजन गुरु जी करवाएंगे, बाएं हाथ में पुष्प ले लो और जैसे जैसे पूजन करवाते रहे अपन करेंगे, उसके बाद में अपना उमा महेश्वर का स्तोत्र वगैरह इत्यादि करेंगे। चलिए अक्षत पुष्प जो है लेफ्ट हैंड में रखेंगे और राइट हैंड से
दो दो दाना, पुष्प है तो दो दो पंखुड़ी, है ना। तो सर्वप्रथम इनके पुत्र जो है प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज को वंदन करेंगे। हरि ओम मा गणानंदवा गणपति गोंग हवा महे प्रिया नंदवा प्रिय पति गोंग हवा महे निधे नंदवा निधि पति गोंग हवा महे वसो मम हमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम वा ओम गं गणपतये नमः। ध्यानम ध्यायामि चिंतयामि पूजयामि। इसके बाद पार्वती जी को स्मरण करेंगे। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति गच्छनः सस्वकः काम्बेलवाशिनि अम्बा पार्वती अम्बादिभ्यै नमः। ध्यानं ध्यायामि चिंतयामि पूजयामि। भोलेनाथ की फोर व्हीलर बाहर नंदी जी होते हैं ना, उनको ध्यान करेंगे। आसुहो शिशानो वृकभो नभीवो गणागणः शोभनश्चरखणीनां संक्रन्दनो निमिघे कबीरः सदगौ सेना अजिनसाकमिन्द्रः नन्दीश्वरायै नमः। ध्यानं ध्यायामि चिन्तयामि पूजयामि। उसके जस्ट बगल में होते हैं कच्छप जी महाराज, है ना, उनको वंदन करेंगे। ओ ओम इदं विष्णु विचक्रमे त्रिधानि ददे पडं वा समूढमस्य भागो स्वाहा कच्छपायै नमः। ध्यानं ध्यायामि चिन्तयामि पूजयामि। इसके बाद वीरभद्र जी को ध्यान करेंगे। ओम भद्रं कारणेभ्यः शृणुयाम देवा भद्रं स्थिरैरङ्गै तुष्टभागो सस्तनो भृभसे महिदेवहितं ददायुः वीरभद्रायै नमो नमः। ध्यायामि चिन्तयामि पूजयामि। इसके बाद उनके जो है ज्येष्ठ पुत्र कार्तिक जी को वंदन करेंगे। ओम ओजस्मे सहस्र महात्मा चमे तनुष्चमे सर्व चमे गारि चमे धेनु चमे परोगोख चमे शरीराणि चमायुष्चमे जरा चमे नकल बन्धम् स्वामी कार्तिकायै नमः। ध्यानं ध्यायामि चिन्तयामि पूजयामि। इसके बाद इनके मित्र हैं कुबेर जी महाराज। अभी तो गांव की अगर कहीं प्रधान से भी मित्रता हो जाए तो लोगों एक दूसरे से अकड़ दिखाने लगता है। गांव के कहीं विधायक जी से मित्रता हो जाए तो और सीना चौड़ा कर लेते हैं, और कहीं मंत्री जी का नंबर मिल जाए तो। और भगवान भोलेनाथ के मित्र कौन है? कुबेर जी महाराज, है ना। बस इशारा कर दिए भलाने बाबू के घर में जाके देख लेना, कुबेर का खजाना तो खाली तो नहीं पड़ा हुआ है। तो उनको ध्यान कीजिए, हमेशा कुबेर का खजाना भरा रहे और कुबेर जी की कृपा बनी रहे। ओम वायगो सोम व्रते तव मनसानो कुवृतः प्रजावन्तः सचेमहि धनाध्यक्षाये कुबेराये नमो नमः। ध्यानं ध्यायामि चिन्तयामि पूजयामि। अब जो है भगवान शंकर के गले में जो है सर्प है डम, उनको ध्यान करेंगे। ओम ओजस्मे ओम नमोस्तु सर्वेभ्यो जय दिव्य जय पृथ्वी मनो जय अंतरिक्ष जय दिव्येभ्यः सर्वेभ्यो नमः। ओम सर्वराजायै नमो नमः। ध्यानं ध्यायामि चिन्तयामि पूजयामि। भगवान भोलेनाथ का आभूषण जो है डमरू है त्रिशूल है, उनको ध्यान करेंगे। जटाटवे गल ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले बलं गलंबितं भुजंग तुंग मालिका डम 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 भयम चकार दंड दंडवं तनोतु न शिव शिव चकार दंड दंडवं तनोतु न शिव शिव शिवाभूषणाय नमो नमः। ध्यानं ध्यायामि चिन्तयामि पूजयामि। अब जो है पूरा सीधा हाथ में लेकर के भगवान भोलेनाथ को वंदन करेंगे। बेलपत्र हो सामने तो ले लीजिएगा, नहीं तो पुष्प ले लीजिएगा। वंदे देवौ महापतिं सुरगुरो वंदे जगत्कारण वंदे पन्नगभूषण मृगधर वंदे पशूनापते वंदे सूर्यशशाङ्कवारिनयन वंदे मुकुन्द प्रिय वंदे भक्तजनाश्रय च वरदं वंदे शिवं शंकर श्री श्याम सदा शिवायै नमः। प्रार्थना पूर्वकं चरणकमलेषु गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। होलिकाशी विश्वनाथ भगवान की। अब इसके बाद पृथक पृथक वस्तु रखा हुआ है स्नान के लिए, सभी सामग्री रखा हुआ है। सबसे पहले जल लेंगे और चार बार शिव जी के ऊपर में जल चढ़ाएंगे। ओम त्रिपादोर्ध्वोदय। सबने लोटे का पात्र ले लिया हाथ में,
ले लिए सभी लोग। ओम त्रिपाद उदय दुर्गा पादो सेहा भवत पुनः ततो विक्रम सनान सने अभि ततो विराट जायत विराज सजातो अति अर्चन पश्चात भूमि मधो पुरः समाधिका सर्वहुतः सम्भृतं बृहदा जम्म पशुस्ता चक्रे बाह्यभ्या नारण्या ग्राम्याश्च चेत समाधिका सर्वहुत ऋचः आद्युर्वाद्यं जलं हस्तुलरघं जलं मुखे आज्वनीयं जलं सर्वांगे सुसनारियं जलं समर्पयामि। अब सबसे पहले बाबा को दूध से स्नान करवाएंगे। पयः स्नानम् दूध का गिलास है आपके पास में, वो ले लीजिए। नमः शिवाय का जाप कंटिन्यू ही करें। ओम पायः पृथिव्यां पायः घटे गोपायः दिव्यान्तरिक्षे पायः दाः पायः सवातिः प्रदिशः सन्तु महजम्मा गोदूध से स्नान करा।